सो जो ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाती है। अब लंग्स में यहां पर भी बोला गया था कि सारे बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पहुंचेगा पर लंग्स में नहीं पहुंचेगा। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अब यहां पर क्या कर रहा है, देखिए एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन के बारे में हम अगली इसमें डिस्कस करेंगे, वेन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके सो एक बार यहां पर इंट्रोड्यूस करवाता था, तो क्या हो रहा है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहां पर, लंग्स में। लंग्स में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ रहा है और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचता है सारे पार्ट्स में बॉडी के। ओके ये बात समझ में आई। सो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से कनेक्टेड है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि हार्ट से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, लंग्स में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डर्टी ब्लड से क्लीन ब्लड हो रहा है और वो क्लीन ब्लड जो है वो आ रहा है कहां पर, पल्मोनरी वेन में आ रहा है। पल्मोनरी वेन से आएगा वो फाइनली एट फाइनल कहां पर आएगा, जो फाइनल स्टेज होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कनेक्टेड है ओएटा वहां पर जाएगा और ओएटा से सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात समझ में आ रही है। सो एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पल्मोनरी आर्टरी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, मतलब जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है उससे कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी और ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, मतलब राइट वेंट्रिकल से जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है टू द लंग्स। ओके अब लंग्स में गया, लंग्स से वो पल्मोनरी वेन वापस लाएगा। ये अब जब ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तब और क्लियर होगा, राइट। सो देखिए ये आर्टरी के बारे में सब कुछ बताया हमने, दैट इज दो पॉइंट हम लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ये कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से और ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ओके सो ये पॉइंट समझ में आया आपको, राइट। अब हम दो चीजें बाकी हमारे, दैट इज पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करना और दूसरी चीज इसको रिकॉल करना, राइट। सो देखिए अभी आर्टरीज के बारे में देखते हैं। ओके आर्टरीज में पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था उसी तरीके से देखते हैं। तो देखिए आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज क्या है, थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर है या थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में। ओके सो आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज क्या है, ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करवाता है। मतलब क्या, ये ऐसे थिन ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी और इन्हीं को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, दैट इज आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब आर्टरीज की तरफ आते हैं, पहला पॉइंट हमें क्या बताता है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ओके दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके तो फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, हमें दो चीजें बता रहा है, दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है, दे आर थिक वॉल बिकॉज ब्लड एमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। ओके सो इनकी थिक वॉल्स क्यों होती है, बिकॉज जो ब्लड एमर्ज हो रहा है हार्ट से वो हाई प्रेशर के अंडर हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर में वो एमर्ज हो रहा है फ्रॉम द हार्ट। ओके दैट इज वाई दे आर थिक वॉल्स। अब ये प्रेजेंट कहां होती है, वेयर दे आर प्रेजेंट। ओके वेयर दे आर प्रेजेंट, सो दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आर बॉडी, होल ऑफ आर बॉडी। ओके सो दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आर बॉडी, मतलब दे कैन बी फाउंड और दे कैन दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ आर बॉडी, मतलब ये हर जगह पे जहां पर भी बॉडी पार्ट है हमारे वहां पर ही प्रेजेंट है, मतलब हर जगह में बॉडी में हर जगह पे ये आर्टरीज प्रेजेंट है, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहां पर। सो ये था आर्टरी के बारे में, जो मेन आर्टरी है, सॉरी मेन आर्टरी नहीं, जो सिंपल सी आर्टरी है उसके बारे में बताया गया। ओके अब देखिए मेन आर्टरी की तरफ आते हैं, द ओएटा, ओएटा जो है ये ओएटा जो है इसके बारे में बात करते हैं। ओएटा क्या है,
द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड aorta. इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ओके, ये जो aorta है, ये जो aorta है ये लार्जेस्ट एंड द मेन आर्टरी है और इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ओके, सो यहां पर इस एक पॉइंट से दो चीजें पता चलती है, दैट इज व्हाट इज आर्टरी और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं आप, दैट इज विच इज द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इन द हार्ट एंड वेयर इट इज कनेक्टेड इन द हार्ट. ओके, सो इट इज द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट, दैट इज aorta, एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ओके, ये बात समझ में आई. उसके बाद मेन आर्टरी दैट इज aorta के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स. ओके, एक्सेप्ट लंग्स. ओके ओके, सो जो मेन आर्टरी है वो लार्जेस्ट आर्टरी है, जो aorta है वो मेन एंड लार्जेस्ट आर्टरी है एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ये aorta के बारे में बताया. दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, इट कैरीज ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ये पॉइंट क्या बताता है, किस टाइप का ब्लड aorta कैरी कर रहा है और कहां से कहां तक कैरी कर रहा है. सो वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स. एक्सेप्ट लंग्स क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, वो भी मैंने आपको बताया, राइट. अब देखिए यहाँ पर पर्मानेंट, ये जो दो पॉइंट थे ये थे अबाउट द मेन आर्टरी, मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज aorta. ये जो दो पॉइंट्स थे, राइट, ये जो दो पॉइंट्स थे ये aorta के बारे में थे. ओके, ये aorta के बारे में थे एंड ये जो दो पॉइंट्स है, ये जो दो पॉइंट्स है ये पल्मोनरी आर्टरी के बारे में. ओके, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में क्या बताया, इट इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से कनेक्टेड, मतलब जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है इससे कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी. अभी करती क्या है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. अब लंग्स में क्या हो रहा है ये भी मैंने बताया आपको, राइट. और जब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे वो और इजी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट, और समझने के लिए भी. सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, मतलब जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल इससे कनेक्टेड है और इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट टू द लंग्स. ओके, सो जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि aorta क्या है, वो किससे कनेक्टेड है, किस टाइप का ब्लड कैरी कर रहा है और कहां से कहां तक कैरी कर रहा है, उसी तरीके से कहां पर कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी, कहां पर कनेक्टेड है, कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है और कहां से कहां तक कैरी कर रहा है, वो भी हमने इसमें देखा. दैट इज, इट इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. ओके, ये थे मेन पॉइंट्स. अब मेन पॉइंट्स को एक बार रीड आउट करते हैं. अभी मेन पॉइंट्स करेंगे क्या, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में भी, कुछ डिफरेंशिएशन में हमने मेन पॉइंट्स क्या किए थे, मार्क किए थे, तो वहां पर भी मैंने रीजन बताया था. मेन पॉइंट्स करते क्या है, शॉर्ट टाइम में अगर आपको आर्टरी, फॉर एग्जांपल आर्टरी के बारे में या कोई भी डिफरेंशिएशन याद करना हो, तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आर्टरी के बारे में बोलते हैं. अगर आपको आर्टरी के बारे में लर्न करना है शॉर्ट टाइम में, तो ये मेन पॉइंट्स आप इजीली याद कर सकते हो और उसके बीच में तो ये विच, बिकॉज, ऑफ, आर फाउंड, ये सारी चीजें आप खुद लिख सकते हो, राइट. बट जो मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर वो मार्क कर दो और शॉर्ट टाइम में इसको अगर याद कर ले, और इससे होगा क्या, फिर शॉर्ट टाइम में आपको इजिली जो बड़े बड़े टॉपिक्स भी होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मार्क करने की वजह से वो भी इजिली कवर हो जाएंगे, राइट. सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क करते हैं यहाँ पर, राइट. सो अब मेन पॉइंट्स को एक बार ये कर लेते हैं, आर्टरीज के जो मेन पॉइंट्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इट इज अ थिक वॉल्ड ब्लड वेसल. ओके, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. सेकेंड, थर्ड मेन पॉइंट, ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई इट हैज थिक वॉल्स. देन फोर्थ पॉइंट, इट आर दे आर फाउंड होल ऑफ अवर बॉडी, मतलब दे आर प्रेजेंट इन होल ऑफ अवर बॉडी. ओके, देन फिफ्थ पॉइंट, मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड aorta, इट इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. देन सेवेंथ पॉइंट, the main artery carries oxygenated blood
फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। इसका भी मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्ट लंग्स क्यों बोला गया, यहाँ पर लंग्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, इट कैरीज डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ओके, अब ये हमने मेन पॉइंट्स मार्क कर लिए, राइट। सो हमारी दो चीजें हो गई अब तक, दैट इज हमने पहले समझ लिया कि आर्टरीज के बारे में ये पॉइंट्स बता क्या रहे हैं, और फिर हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए, राइट। सो ये आप इस तरह से बोल सकते हो, दैट इज जो पॉइंट था उसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट हमने मार्क किया। सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इस टॉपिक को तीन पार्ट्स में कवर करेंगे या तीन भाग में कवर करेंगे, दैट इज पहले चीज तो हम ये जो पॉइंट्स है इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे या डिटेल में समझेंगे कि आर्टरीज है क्या, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क करेंगे और तीसरी चीज रिकॉल करेंगे। कभी रिकॉल बच गया तो आप स्टार्टिंग से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जो आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज है ये थिन ट्यूब स्ट्रक्चर्स है जो हेल्प करती है टू फ्लो द ब्लड इन आर बॉडी, या जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है इन आर बॉडी। ओके, सो आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज एक थिन पाइप स्ट्रक्चर है या थिन ट्यूब स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, और इन तीनों को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, दैट इज आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब आर्टरीज के बारे में देखते हैं। ओके, सो आर्टरी के बारे में देखते हैं, दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, पहली चीज दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वो हार्ट से जितने पार्ट्स हैं बॉडी में वहां तक ब्लड को पहुंचा रहा है, राइट। सो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड सेकेंड थिंग दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, आर्टरीज आर थिक वॉल्स, अब उनको थिक वॉल्स की बिकॉज द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, मतलब जो ब्लड है जो हार्ट से इमर्ज कर रहा है वो अंडर हाई प्रेशर इमर्ज कर रहा है, सो दैट इज वाई दे हैव थिक वॉल्स। अगर लो प्रेशर या कम प्रेशर में, दैट इज लो प्रेशर में अगर ब्लड इमर्ज करता हार्ट से तो थिक वॉल की जरूरत नहीं थी, बट द ब्लड इज इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, सो थिक वॉल्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट इज वाई दे हैव थिक वॉल्स। दे आर फाउंड इन होल ऑफ आर बॉडी, ओके, मतलब हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज, हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये आर्टरी के बारे में देखा, मेन आर्टरी की तरफ आते हैं। मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी आर कॉल्ड आयोटा एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अब इससे दो चीजें पता चलती है हमको, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है और वो किस चीज से कनेक्टेड है ऑफ द हार्ट। ओके, किस बात से कनेक्टेड ऑफ द हार्ट, सो द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इज ओएटा एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये दो पॉइंट हमें ओएटा के बारे में बताते हैं, और ऐसे अगर देखें तो ये दो पॉइंट जो हमारे मेन आर्टरी के बारे में, ये ओएटा के बारे में बता रहे, राइट। सो ये ओएटा करता क्या, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहली बात तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दूसरी बात फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। एक्सेप्ट लंग्स क्यों, हमने रीजन देख चुके हैं, राइट, हम रीजन देख चुके हैं। अब देखिए जो ओएटा के बारे में वापस डिस्कस करते हैं, जो ओएटा है इट इज द मेन एंड द लार्जेस्ट आर्टरी एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब पल्मोनरी आर्टरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से, मतलब जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है उससे कनेक्टेड है। ओके, क्या पल्मोनरी आर्टरी, एंड इट कैरीज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ओके, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एक और चीज, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसको आप क्लीन ब्लड बोल सकते हो। ओके, इसको आप क्लीन ब्लड बोल सकते हो, और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप डर्टी ब्लड बोल सकते हो, मतलब अनक्लीन ब्लड। ओके, अनक्लीन ब्लड मतलब जो क्लीन नहीं है सिंपली, राइट, जो क्लीन नहीं है वो होता है डर्टी और अनक्लीन ब्लड। ओके, सो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। सो जो ओएटा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और पल्मोनरी आर्टरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर होता है, दैट इज हमने तीन तरीकों से इसको कवर किया, दैट इज फर्स्ट इज हमने पॉइंट्स के थ्रू समझा कि आर्टरीज है क्या, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया, एंड उसके बाद हमने तीसरी चीज की, दैट इज रिकॉलेशन ऑफ टॉपिक, दैट इज हमने रिकॉल किया। तो इस तरीके से जो आर्टरीज का टॉपिक है यहाँ पर हमारा खत्म होता है, कवर होता है।